विद्यार्थी दोस्तों, आज हम इंग्लिश मीडियम का सेकंड क्लास का अभी सेकंड यूनिट सीखने वाले, उसकी पहली पोएम है इन द पार्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अब द इन द पार्क, इसके बारे में छोटी सी दो ही टांसा दी गई, आपको मैं सिखाने वाला हूँ, अच्छी तरह मेरे पीछे पढ़ लीजिएगा। अप द लोडर एंड डाउन द स्लाइड, अ मेरी गो अराउंड, लेट्स अ टेक अ राइड, हेयर्स अ स्विंग, गो टू एंड फ्रो, बाउंस द सी सॉ हाई एंड लो। देखिए दोस्तों, इधर बोलेगा अप द लैडर, जो लैडर होती है मतलब ये देखिए, इधर ये लैडर चढ़ रहा है, वो कहा चढ़ रहा है, अब ऊपर जा रहा है लैडर से, एंड डाउन द स्लाइड, और चढ़ के ये देखो स्लाइड हो रही है, नीचे आ रही है स्लाइड होके, एंड गो टू राउंड, मेरी गो टू राउंड, वो फिर से जा रही है, आ रही है, लेट्स टेक अ राइट, और हर एक की राइट आ रही है, उसके बाद में इसकी आ रही है, एक 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 राइट अपने अपने ले रहे है। आगे हेयर्स स्विंग, देखो स्विंग कर रहे है यहाँ पे, ऊपर नीचे स्विंग कर रहे। आगे गो टू द फ्रो, वो आ रहे और दूर जा रहे, और सी सॉ, सी सॉ, सी सॉ कैसे हो रहा है, सी सॉ बाउंस हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और कैसे जा रहा है, वो हाई एंड लो हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से पोएम थी आपको हिंदी में सिखाई, इसके भी क्या आएंगे, थोड़े मीनिंग आएंगे और थोड़े हार्ड वर्ड्स आने वाले, तुमको मैं बता रहा हूं। देखिए इन द पार्क, न्यू वर्ड से लैडर, सीढ़ी, स्लाइड होना मतलब घुस के जाना, स्विंग मतलब इधर उधर होना, इधर मतलब स्विंग होता है यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक, सीसा जो जिसपे सीसा खेलते वो, बाउंस मतलब ऊपर नीचे, राइमिंग वर्ड्स स्लाइड राइड, लो स्विंग, रिंग राउंड राउंड बाउंस, इसी प्रकार से राइमिंग वर्ड आ रहे, इसी प्रकार से क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने डाले नहीं है। हाँ, अगले और ये राइमिंग ये डाल नीचे डाल दूंगा मैं, ओके, और इसमें डिस्कशन में ही डाल दूंगा आपको, ओके।